मार्ग परस्पर विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के सहायक है। जैसे कर्म योग से मन के मल का नाश हो जाता है, चित्त की शुद्धि होती है और हाथों में कुशलता आती है। भक्ति योग से विक्षेप दूर हो जाते हैं, राग योग से मन में स्थिरता एकाग्रता आ जाती है और ज्ञान योग से अज्ञान का आवरण चला जाता है। ये सभी योग की ही प्रक्रिया है। अभी हम भक्ति योग में थोड़ा देखते हैं। तो भक्ति योग में नव भक्ति के बारे में नारद जी ने बताया है। प्रस्तुता कलयुग में नाम पारायण नाम संकीर्तन अति श्रेष्ठ माना गया है, उपनिषद का आधार है। नामावली में ललिता का नाम अति उत्कृष्ट माना जाता है, वही ललिता सहस्त्र नाम है। ललिता सहस्त्र नाम में भी उल्लेखित है नाम पारायण प्रीता। ललिता सहस्त्र नाम कोई मनुष्य नहीं लिखा, न ही व्यास जी ने लिखा है। ललिता सहस्त्र नाम की रचना वशिन्यादि वाग देवता ने की है। वही वशिनी कामेश्वरी मोदिनी विमले अरुणी जयिनी सर्वेश्वरी कौलनी है। आप और हमारे तक यह ललिता सहस्त्र नाम आया गुरु परंपरा से, इसीलिए सभी सर्वप्रथम अपने अपने गुरु परंपरा को नमस्कार करना है। हमारा कर्तव्य है गुरु को कृतज्ञता दिखाना। सहस्त्र नाम में हजारों नाम के हजारों हजारों अर्थ है। प्रधानता से मूलाधारे की निलया ब्रह्म ग्रंथि निभेदे, इसे देखें भगवती बोल रही है। मूलाधार क्या है? गणेश अथर्वशीष में कहा तुम मूलाधार स्तो नित्यम। मूलाधार में मैं ही स्थित हूँ। मूलाधार का अधिष्ठाता देवता गणपति है, उधर ही कुंडलिनी का स्थान है। ललिता सहस्त्र नाम में रुद्र ग्रंथि ब्रह्म ग्रंथि और विष्णु ग्रंथि के बारे में बात किया है। अभी ग्रंथि क्या है? मूलाधार और स्वाधिष्ठान के मध्य भाग को ब्रह्म ग्रंथि कहते हैं, मणिपुर और अनाहत चक्र के मध्य भाग को विष्णु ग्रंथि कहते हैं और विशुद्धि और आत्मा चक्र के मध्य भाग को रुद्र ग्रंथि कहते हैं। दो दो चक्र के मध्य के भाग को हम ग्रंथि के नाम से पुकारते हैं। अभी हम देखें ललिता सहस्त्र नाम पढ़ने से फायदा क्या है, क्योंकि मनुष्य बिना फायदा से तो कुछ नहीं करता है। देखो प्रधानता से कर्म दो प्रकार से मनुष्य करता है, एक तो सकाम कर्म और दूसरा निष्काम कर्म। अगर हम सकाम करेंगे तो मन की क्या कामना है उस भोग विलास आदि को जगदम्बा जरूर पूरी करेगी और निष्काम कर्म आपको ज्ञान मार्ग के लिए अधिकार दिलाएगा। जब निष्काम कर्म करते हुए जब ललिता सहस्त्र नाम का पारायण करते हो तब अंतकरण की शुद्धि होते हुए कुंडलिनी शक्ति तीनों ग्रंथि को विभेदन करके सहस्त्रार में ईश्वर के साथ मिलन होता है, उस साधक को परमानंद प्राप्ति हो जाती है। इसका ऐसा नहीं कि आपको कर्म का फल नहीं मिलेगा, आप मगर आपके मनोभाव में उसके प्रति अपेक्षा नहीं रहेगा। ये सहस्त्र नाम पारायण करने से आपको व्यवहारिक सत्ता का कोई भी अभिलाषा हो जगदम्बा ने उसका फल देते हुए आपको धीरे धीरे से नाम मार्ग में लेके चलेगा। उसके साथ अगर आप अंत सहित पारायण करते हो तो आपका इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति दृढ़ होकर संशय रहित फल मिलते हुए आपके स्वरूप का बोध हो जाएगा। इसीलिए आखिरी बात कहना चाहती हूँ।